हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे ऑटो डब बेस्ट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने बच्चों के लिए एक तीन पहिए वाली स्कूटर बाय करने की सोच रहे हैं तो आपको बाय करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फिलहाल मैं इस लिस्ट में आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 बेस्ट सेलिंग 3 व्हील स्कूटर फॉर किड्स। पर जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको 3 व्हील स्कूटर बाय करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि तीन पहियों वाली स्कूटर से क्या आपके बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट होंगे। तो तीन पहियों वाली स्कूटर बच्चों के लिए बहुत ही स्टेबल होती है और उन्हें बैलेंस करने में मदद करती है। इसके साथ साथ ये उनके कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल्स को भी डेवलप करती है। तो आप एज और जो दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, आपके बच्चे की एज और वेट को कंसीडर करके आप अपने इसको ले सकते हैं। वो आपके बच्चे की उम्र और वजन पर डिपेंड करता है। स्कूटर के पैकेजिंग पर अक्सर एज और वेट के लिए रिकमेंडेशन दी हुई होती है। इन्हें पढ़कर आप सही साइज अपने बच्चे के लिए 3 व्हील स्कूटर बाय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी फीचर। बच्चों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूटर चुनने से पहले उनकी सुरक्षा से जुड़ी फीचर को ध्यान में रखें, जैसे कि नॉन स्लिप हैंडल ग्रिप्स और स्टडी फ्रेम्स एंड ब्रेक सिस्टम इसमें है कि अवेलेबल कि नहीं। तो और जो नेक्स्ट फीचर है जो आपको चेक करना है, एडजस्टेबल हैंडल बार्स। अगर आप चाहते हैं कि एक स्कूटर आपके बच्चे के साथ साथ बढ़े तो एक एडजस्टेबल हैंड बार वाली स्कूटर आप इसको देखें। इससे आप हैंडल बार की ऊंचाई आसानी से बढ़ा सकते हैं और जिससे कि बच्चे की लंबाई के अकॉर्डिंग यह ढल जाएगा। जैसे जैसे बच्चा आपका एज में बढ़ेगा वैसे वैसे इसको आप लंबा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी। स्कूटर की मजबूती और क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। आप स्कूटर के फ्रेम, व्हील्स और मटेरियल की क्वालिटी पर ध्यान दें, इससे स्कूटर लंबी उम्र तक टिक सकता है। एंड नेक्स्ट है स्टोरेज। एक अच्छी स्कूटर हमेशा आसानी से स्टोर और मूवेबल होती है। इसको आप क्योंकि 3 व्हील स्कूटर बहुत ही कम साइज लेता है तो है यह आपको कोई दिक्कत नहीं करता। आप इसको फोल्ड करके कहीं पे भी खड़ा करके रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो होती है प्राइस एंड बजट। एंड में आपको अपने बजट को ध्यान में रख के ही स्कूटर की कीमत अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग के हिसाब से होती है। तो आपको एक सबसे बेस्ट ब्रांड की 3 व्हील स्कूटर चूज़ करनी है, क्योंकि ब्रांड चीज़ ब्रांड ही होती है। तो इन सब टिप्स को ध्यान में रख के आप अपने बच्चे के लिए एक बेहतर स्कूटर चुन सकते हैं। आप अपने नज़दीकी स्टोर पर जाके बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन बाय करने हैं तो मैंने इस लिस्ट में आपको टॉप 10 की लिस्ट शेयर कर दी है बेस्ट 3 व्हील स्कूटर्स की, जिसमें आपको यह सारे फीचर्स मिलेंगे। और आशा करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं, जो प्राइस है वह है जो लिस्ट में है वो थोड़ा बहुत वरी हो सकता है, क्योंकि सेलर कभी कभार ऑफर निकालते हैं, कभी कभार डील्स के दौरान ये प्राइस थोड़े बहुत कम भी हो जाते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी 3 व्हील स्कूटर बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप 10 की लिस्ट शेयर कर दी है, वहाँ से आप उनको बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं वीडियो के एंड में एक एक्सटेंडेड लिस्ट भी शेयर करूँगा आपके साथ टॉप 10 लिस्ट के अलावा भी, वह भी आप कंसीडर कर सकते हैं प्राइस ब्रांड के अकॉर्डिंग। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी भी लिस्ट शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं कस्टमर रिव्यू रेटिंग एंड प्राइस के साथ। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।